हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। केन सुगर को सुक्रोज बोलते हैं। तो आज हम इन्वर्जन ऑफ केन सुगर को डिस्कस करेंगे। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर गौरव शर्मा। यू आर वॉचिंग जीके पुलस्ते यूट्यूब चैनल अबाउट केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। तो पहले मैं आपको इन्वर्जन समझाऊंगा, फिर मैं इसकी रिएक्शन लिख के फिर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, और फिर एक फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा, और फिर उस पर न्यूमेरिकल पता चलेंगे कैसे है। तो सबसे पहले समझो इन्वर्जन क्या होता है। मान लेते हैं हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लेते हैं, जैसे सोडियम लैंप होता है बेटा। सोडियम लैंप अगर आप लोगों ने देखा है तो उसके अंदर एक येलो से कलर का बल्ब लगा होता है, इसको बोलते हैं सोडियम लैंप। इस लैंप की खास बात क्या होती है, इससे जो लाइट एमिट होती है बेटा, लाइट, ये लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। और मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है, जो सेम वेवलेंथ की हो, जिसकी वेवलेंथ क्या हो बेटा, एक ही हो। तो सेम वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। जब आप इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकोल प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म क्या होते हैं, दो प्रिज्म को आपस में जोड़ दिया जाता है, एक ही और एक ही, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को आप निकोल प्रिज्म से पास करवाते हो तो ये एक ही प्लेन में हो जाती है, यानी कि दिस लाइट ट्रेवलिंग इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में क्या होगी, ट्रेवल करेगी। तो ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, जो सेम प्लेन में ट्रेवल करती है, यानी कि ट्रेवल इन सेम प्लेन या सिंगल प्लेन, जो एक ही प्लेन में ट्रेवल करती है, वो लाइट प्लेन पोलराइज लाइट कहलाती है। अब क्या करें, इन प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास करवाइए। ये क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर ये इसके अंदर से जब पास हो रही है, अब देखो ध्यान से, ये प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जा रही है, जैसे ये इससे पास हो रही है तो इनका प्लेन चेंज हो जाता है, यानी कि एंगल थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, एंगल चेंज हो जाएगा। तो एंगल जो चेंज होगा बेटा, वो या तो जब ये यहां से ऐसे जाएगी, या तो वो आएगा क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज एंगल आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंगल। यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगी, क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगी, या वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रही है और ऐसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो ये क्या बन गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ये बोलेंगे कि इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस ने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दिया, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में है। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। अगर जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना करे, वो सीधी निकल जाए, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, यानी कि वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं कहलाएंगे, क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगी, बिल्कुल सीधी निकल गई। लेकिन वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड, चाहे वो ऑर्गेनिक हो कोई भी हो, जिसके अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट पास हो और वो रोटेट हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव। अब दो तरह की रोटेशन हुई है, एक हुई है क्लॉकवाइज, यानी कि राइट साइड में। क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट साइड, यानी कि राइट साइड में हुई है, ठीक। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड यानी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी कि वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं। और वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लेफ्ट साइड,
लेफ्ट साइड क्या करते, रोटेट कर दे, तो उनको हम लेवियोरोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवियोरोटेटरी। देखो ध्यान से, यहां जो डेक्स्टर वर्ड लिखा है, डेक्स्टर, इस डेक्स्टर वर्ड का मतलब ही राइट होता है, ग्रीक का वर्ड है, तो जो डेक्स्टर वर्ड लिखा है इसका मतलब राइट होता है, और जो लेवियो वर्ड लिखा है बेटा लेवियो, इसका मतलब होता है लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स टू टाइप के होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवियोरोटेटरी। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी वो है जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, और लेवियोरोटेटरी वो है जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज क्या कर दे, रोटेट कर दे। ये बात क्लियर होगी? तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। यहां तक दिक्कत नहीं है, पता चल रहा है? अब देखो, अब जैसे मान लेते हैं ये लाइट बेटा स्ट्रेट ऐसे जानी थी, ऐसे ऐसे ये जानी थी, कितने एंगल पे रोटेट हुई, ये क्या हो गया एंगल, भाई किस एंगल पे रोटेट होगी, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एंगल काउंट करते हैं को कितने एंगल पे रोटेट हुई, इसको काउंट करते हैं पोलैरिमीटर से। पोलैरिमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे हम ये काउंट करते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट कितने एंगल पे रोटेट हुई है, कितने एंगल पे वो चेंज हो गई है। तो यहां तक पता चल गया बेटा? एक बार और देख लो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे। ये टू टाइप्स के होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवियोरोटेटरी। जो राइट की तरफ यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे वो लेवियोरोटेटरी कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? प्लेन पोलराइज लाइट वो होते हैं जो सेम प्लेन में ट्रेवल करें, जो एक ही प्लेन में ट्रेवल करें, और मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होते हैं बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो एक ही वेवलेंथ की हो, जो सेम वेवलेंथ की हो। तो यहां तक क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? ये आपको ऑर्गेनिक में भी जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, आगे टॉपिक में क्या चल रहा है। इन्वर्जन जो हम वर्ड लिखते हैं इसका मतलब क्या है, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी थी। अब देखेंगे आप, मैंने लिखा है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंगल को हम पॉजिटिव से दिखाते हैं यानी कि प्लस में दिखाते हैं, लेवोरोटेटरी के सामने माइनस लगा देते हैं। भाई ये मान लो जीरो से इतना प्लस गया तो क्लॉकवाइज है, जीरो से इतना माइनस गया तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी को पॉजिटिव दिखाएंगे, लेवोरोटेटरी को क्या दिखाएंगे आप, नेगेटिव में दिखाएंगे। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को डी या फिर प्लस साइन यूज करते हैं। देखो एक बार लिख देता हूं मैं, जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं रोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसको हम या तो प्लस साइन से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी एंगल उसके आगे प्लस लगा देते हैं। जो लेवियोरोटेटरी होते हैं रोटेटरी, रोटेटर या रोटेटरी बोल सकते हो, रोटेटरी, इसके सामने हम माइनस साइन या फिर एल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पता चल गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी लेवियोरोटेटरी है, और ये एक्सपेरिमेंटल निकलता है, हमें पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल इनकी वैल्यू आती है पोलैरिमीटर पे। अब देखो भाई, हमारे पास है सुक्रोज, मेरे पास सुक्रोज है C12H22O11, ये क्या है सुक्रोज, इसको मैंने एसिड हाइड्रोलाइसिस किया, इसको एक्सेस अमाउंट में लेंगे वाटर को, तो ये क्या हो जाएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां से क्या बना C6H12O6, तो एक बढ़ गया ग्लूकोज और एक बढ़ गया फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। ग्लूकोज क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में क्या होता है बेटा कीटोनिक ग्रुप होता है, वो स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा। जो सुक्रोज होता है बेटा ये प्लस 66.5 डिग्री डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, तो ये तो क्या हो गया हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब जिससे जो प्रोडक्ट बनता है, तो ये जो बनता है ग्लूकोज ये तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ठीक है, और जो फ्रक्टोज बनता है बेटा ये लेवियोरोटेटरी होता है, तो ये तो क्या बन गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, और सॉरी ये क्या बन गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी और ये क्या बन गया बेटा लेवियोरोटेटरी। अब ओवरऑल देखो, ओवरऑल कितना बनेगा
-39.5 ओवरऑल। अब ओवरऑल ये क्या बन गया, लेवियो रोटेटरी, और ये क्या था बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब देखो ध्यान से, रिएक्टेंट है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन प्रोडक्ट ओवरऑल क्या बन गया, लेवियो रोटेटरी, उसका अपोजिट हो गया। हम छाता लेके गए बाहर, मौसम बहुत अच्छा था, आजकल मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, हम छाता लेके गए, तेज हवा चली और छाते का क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, ऐसे चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये देखो पहले कॉन्फ़िगरेशन थी डाउन साइड में, अब होगी अपर साइड में, पहले कॉन्फ़िगरेशन थी राइट साइड में, अब होगी लेफ्ट साइड में। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना होता है बेटा, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड का रिएक्शन के बाद लेवियो रोटेटरी बन जाना इन्वर्जन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, यानी कि केन सुगर की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, रिएक्शन के बाद क्या हो गया, लेवियो रोटेटरी। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर बोलेंगे। तो इन्वर्जन वर्ड समझ में आ गया, पहले छाता हमारा ऐसे था, अब ऐसे हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो ये क्या हो गया बेटा, इन्वर्जन हो गया। अब इस इन्वर्जन पे फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। मैं पहले पोलैरिमीटर लेके चलूंगा बेटा। पोलैरिमीटर जो होता है, जिसपे हम ये स्टडी करते हैं, वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वैल्यू हो गई 0, ये हो गई 90 प्लस में, ठीक है, और इधर की तरफ आ जाएगा माइनस में 90, ये 180, और ये आ जाएगा माइनस में 90। देखो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो प्लस 66 था, तो कहीं ना कहीं यहां क्या होगी बेटा वैल्यू, यहां पर ये वैल्यू मान लेते हैं प्लस 66.5 वैल्यू थी, ये वैल्यू प्लस 66.5, ये वैल्यू किसकी हो गई, आर नोट की, एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे आर से, तो ये वैल्यू हो गई आर नोट प्लस 66.5। जब रिएक्शन कंप्लीट होगी ओवरऑल, तो ये वैल्यू चली गई -35.5, तो ये वैल्यू कहीं यहां से आ जाएगी, तो ये आ गया यहां, तो ये वैल्यू कितनी है -39.5, ये क्या हो जाएगा आर इन्फिनिटी जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक, क्योंकि जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ओवरऑल क्या बन गया, लेवियो रोटेटरी। तो राइट से इनिशियल था 66.5, यानी कि आर नोट, जीरो टाइम पे रीडिंग जब रिएक्शन हमने स्टार्ट की, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो रीडिंग आ गई -39.5, तो ये हमारा एंगल हो गया। टी टाइम पे कभी भी हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, टी टाइम पे मान लेंगे, इसको लिख देंगे आर टी, ये वैल्यू क्या है, टी टाइम पे है, ठीक है, टी टाइम पे कुछ ना कुछ तो होगी, क्योंकि रिएक्शन बैक में जा रही है। अब देखो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं एंगल की बात करूंगा तो मैं लिख रहा हूं एंगल ऑफ रोटेशन। अब वही बात करो इनिशियल, इसको ए ले लो, ये 0-0 होगा एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे इसका एक्स हाइड्रोलाइज हो गया, तो ये एक्स एक्स बढ़ेंगे बेटा दोनों ही, ठीक है, ये एक्स मैंने यहां लिखा जानबूझ के ताकि इनमें डिफरेंस पता चले, तो यानी किसी भी टाइम पे क्या बढ़ जाएंगे, एक्स एक्स बढ़ जाएंगे। तो यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल ऑफ रोटेशन, रोटेशन एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे, टी टाइम पे एंगल कितना रोटेट हुआ बेटा, देखो यहां था, ये क्या वैल्यू थी आर नोट, ये वैल्यू क्या है आर नोट, मैं लिख देता हूं, ये वैल्यू है बेटा आर नोट। अब ये वैल्यू है 0, तो मुझे क्या करना है, ये दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो ये आर नोट माइनस आर टी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आर नोट माइनस आर टी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैंने क्या कहा भी, टी इनिशियल था आर नोट, ठीक, टी टाइम पे यहां तक गया, वापिस आ रहा है, वापिस जा रहा है तो यहां तक जाएगा, बीच में कहीं ना कहीं टी टाइम हमने यहां मान लिया, तो ये कैसे निकालोगे आर नोट माइनस आर टी, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया आर नोट माइनस आर टी। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज। अब सुक्रोज जितना हाइड्रोलाइज हो गया, देखो टी टाइम पे कुछ ना कुछ तो हाइड्रोलाइज हुआ है, कितना हुआ एक्स,
तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी x, तो इसका मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r नोट माइनस आर टी। तो ये हमारा बन गया पहला फॉर्मूला। एक बार और देख लो, t टाइम पे रिएक्शन जब यहां तक गई होगी तो कुछ ना कुछ तो सुक्रोज यूज हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो सुक्रोज हाइड्रोलाइज हुआ होगा। तो वो जो हाइड्रोलाइज हुआ कितना हुआ, एक्स हुआ, एक्स हुआ। तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। जितना ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा उतनी ज्यादा ये वैल्यू आ जाएगी, तो यानी एक्स आ जाएगी। अब मैं बात करता हूं एंगल ऑफ रोटेशन एट इंफिनिटी टाइम, एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम। जब इंफिनिटी टाइम हो गया बेटा, इंफिनिटी टाइम होगा तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब इंफिनिटी टाइम हुआ तो यहां से गई वैल्यू और यहां तक गई, तो ये माइनस ही हो जाएगा। सॉरी, जब इंफिनिटी टाइम होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, आर नोट माइनस आर इंफिनिटी, ठीक है। क्योंकि यहां से वैल्यू गई यहां तक, तो ओवरऑल चेंज कैसे निकालोगे, आर नोट माइनस आर इंफिनिटी। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, अब जब इंफिनिटी टाइम हो गया तो यानी कि सारा का सारा रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ चुका होगा। तो यानी कि इनिशियल अमाउंट जितनी ज्यादा हमने ली उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या आ जाएगा, इनिशियल अमाउंट ऑफ सुक्रोज, इस पे डिपेंड करेगा ए पे। या फिर आप ये लिख सकते हो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज, ऐसे लिख सकते हो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सुक्रोज, दोनों तरीके से लिख सकते हो हाइड्रोलाइज। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नोट माइनस आर इनफिनिटी। अब देखो मेरे पास एक्स भी है ए भी है, तो मैं क्या निकालूंगा, ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा बेटा आर नोट माइनस आर इनफिनिटी माइनस आर नोट प्लस आर टी। आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर टी माइनस आर इनफिनिटी। यहां तक सबको दिख रहा है, तो देखिए ध्यान से मैंने क्या किया है, ए माइनस एक्स को फाइंड आउट कर लिया है। तो मेरे पास ए भी आ गया है, देखो ए ये रहा, ए माइनस एक्स भी आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला बना देता हूं, देखेंगे ध्यान से। फ्रॉम रेट कॉन्स्टेंट के, k इज इक्वल टू 2.303 टी लोग, a की जगह क्या आ जाएगा, r नोट माइनस r इंफिनिटी, a माइनस x क्या हो जाएगा, r t माइनस r इंफिनिटी। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो अब न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, आपको इंटरवल दे देगा अलग अलग, उनमें रीडिंग दे देगा, आपको वैल्यू पुट करनी है हर एक इंटरवल में, जैसे पहले करते आए हैं, हर एक इंटरवल में रीडिंग पुट करेंगे और हर एक इंटरवल पे रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू सेम आ गई तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी, नहीं तो रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होगी। और अगर रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है तो यानी कि हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हम पिछली वीडियो में करते आए हैं वैसे ही न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, लेकिन फॉर्मूला ये यूज करना है। तो यहां तक आई होप आपको पता चला होगा। अब मैं इन चारों एग्जाम्पल के फॉर्मूलों को याद करने की एक ट्रिक देता हूं आपको, बहुत आसान ट्रिक है। आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लेना है, एक फॉर्मूला। हम बात करें ट्रिक की, हमने एक फॉर्मूला याद किया, k इज इक्वल टू 2.23 डिवाइड बाय t log v इंफिनिटी माइनस v नोट और v इंफिनिटी माइनस vt, ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया। अब आपको इंटरवल देखने है बेटा, इंटरवल क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा कुछ मत देखो, बस ये इंटरवल देखो, टाइम और यहां पर जो भी कंसंट्रेशन है। अगर इंटरवल में जीरो नहीं है
इनफिनिटी तक जा रहा है, जीरो नहीं है, तो उस केस में वी नोट को हटा दो, तो इस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग वी इनफिनिटी माइनस वी टी, यानी जीरो टाइम पे वैल्यू नहीं होगी। और कोई ऐसा केस हो जिसमें मान लो जीरो पे तो वैल्यू हो बट इन्फिनिटी पे ना हो, तो अब इन्फिनिटी को हटा दो, तो अब देखो एक फॉर्मूला ये बढ़ गया हमारा, दूसरा फॉर्मूला कैसे बढ़ेगा, 2.303 डिवाइड बाई टी लोग इन्फिनिटी हटा दो, माइनस से माइनस कैंसल, वी नोट अपॉन में वी टी, तो ये फॉर्मूला हमारा सेकेंड बन गया। अगर किसी टाइम पे किसी इंटरवल में जीरो भी है, टी भी है और इन्फिनिटी भी है, तो उस टाइम फॉर्मूला यही हो जाएगा। तीनों फॉर्मूले पता चल गए, सिर्फ इंटरवल से पता चल जाएगा। अगर एंगल की बात है बेटा, एंगल की, तो आपको v की जगह r लेना है और इनको उल्टा कर देना है, जो आगे उसको पीछे लिख दो, जो पीछे उसको आगे लिख दो, तो कैसे बन गया देखो, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t लोग, यहां v नोट पीछे है तो r नोट आगे, r इन्फिनिटी पीछे, तो r t आगे आर इन्फिनिटी पीछे, तो देख लो ध्यान से फॉर्मूला नंबर 4 ये रहा, ठीक है। एक ही ट्रिक है, एक ही फॉर्मूला याद रखो, इंटरवल जो भी है अगर जीरो टाइम पे वैल्यू नहीं है तो वी नोट को हटा दो, अगर इन्फिनिटी टाइम पे नहीं है तो इन्फिनिटी हटा दो, टी टाइम पे तो मिलेगी मिलेगी। अगर एंगल की बात कर रहे हैं तो v की जगह r नोट लिख दो, r लिख दो बट इनको उल्टा कर दो, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो बड़ी आसान सी ट्रिक है चारों फॉर्मूले को याद करने की, तो आपको चारों फॉर्मूले ड्राइव करने आए हैं, याद भी हो गए होंगे आई होप, और इन्वर्जन का मतलब भी पता चला होगा, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर क्या है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करके देखना, हर एक इंटरवल पे रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लेना, बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी, लेक्चर समझ में आया होगा, तो लेक्चर समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।